अमेरिका में सरकारी कामकाज आंशिक रूप से बंद होने का असर स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पर भी पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा रद्द कर दी है। गौर हो कि कई सप्ताह से अमेरिका में सरकारी कामकाज आंशिक रूप से बंद है। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर एक विवादास्पद दीवार बनाने के लिए फंड की मंजूरी देने को लेकर डेमोक्रेटिक नेताओं के हट का हवाला देते हुए WEF की आर्थिक निर्धारित यात्रा भी रद्द कर दी थी। 21 जनवरी को दावोस में 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 8 लाख अमेरिकियों को वेतन नहीं मिल पाने की बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का दौरा रद्द कर दिया है।